लगातार बड़ी खबर पर हम भरे हुए हैं। दिल्ली में जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ, जामिया के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री के फोर्सेज भी वहां पर तैनात है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। जामिया में पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और किन लोगों ने यह हमला किया, किन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, किन लोगों ने आगजनी की, उनकी धरपकड़ और तलाशी के लिए तेजी से अभियान चल रहा है दिल्ली पुलिस का। इस बीच दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि हालात काबू में है, नियंत्रण में है। तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जामिया में हिंसा हुई है, गाड़ियों को टारगेट किया गया है, बाइकों को गिराया गया, तोड़फोड़ की गई। बीचों बीच जो तस्वीर है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ की तस्वीर है, जहां पर भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल वहीं से विरोध प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो जामिया तक पहुंची। वहां पर प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग, हवाई फायरिंग भी की गई है और उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की है जवानों पर। तीसरी तस्वीर, पीएचक्यू पर प्रदर्शन चल रहा है इस बीच और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल कि क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को सही ठहराया जा सकता है, क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी करना उचित है और क्या विरोध प्रदर्शन के नाम पर आम लोगों को, रिहायशी इलाकों को टारगेट करना उचित है। क्योंकि आज दिल्ली में शाम को 3 से 4 बजे के आसपास जिस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले रिहायश इलाकों में यह विरोध प्रदर्शन तेजी से फैला था। वहां पर जो लोगों की गाड़ियां हैं, प्राइवेट व्हीकल्स, उनको टारगेट किया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, 3 बसों में आग लगा दिया गया। एक बस में तो तब आग लगी जब उसमें लोग बैठे थे, हालांकि वक्त रहते लोग उस बस से बाहर निकल गए। इस वक्त पीएचक्यू पर भी प्रदर्शन चल रहा है बड़ी संख्या में। वहां पर अमित शाह और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नागरिकता कानून के खिलाफ बंगाल के कई शहरों में आग लगी है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जहां हंगामा हो रहा है उन जगहों से पुलिस नदारद है। बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार का हाथ क्या बलबाइयों के साथ है। एक कानून के नाम पर बंगला जला रहा है। ममता के राज में शहर शहर बवाल और हंगामा। ममता की अमन की अपील का सर क्यों नहीं? बंगाल में सब कुछ जला रहे उपद्रवी पुलिस तमाशाबीन क्यों है? सरकार से विरोध के लिए क्या देश की संपत्ति जलाएंगे उपद्रवी? टैक्सपेयर्स की गाड़ी कमाई को आग लगाएंगे प्रदर्शनकारी? बंगाल में रेलगाड़ियां जल रही हैं, ट्रकों से धुआं उठ रहा है, बसों में आग लगाई जा रही है, जेसीबी भी लपटों के हवाले है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि मानो पूरा बंगाल किसी ने आग के हवाले कर दिया हो। सवाल ये है कि ममता सरकार इन उपद्रवियों को काबू में क्यों नहीं करती? आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो, देश उन्हें देख रहा है। मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। सड़कों पर उपद्रवी खुलेआम घूम रहे हैं, हंगामा और बवाल नॉनस्टॉप जारी है।
ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारी सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हैं। सवाल ये है कि आखिर पुलिस और प्रशासन तमाशा क्यों देख रहा है? प्रदर्शनकारी बिल्डिंगों को आग के हवाले कर रहे हैं, खुलेआम तोड़फोड़ मचा रहे हैं। बिखरे हुए कांच, टूटी हुई खिड़कियां गवाही दे रही है कि उपद्रवियों के हौसले कितने बुलंद हैं। सवाल ये है कि इन उपद्रवियों को कौन दे रहा है शह? बहुत लोग हर बात में नाराज रहते हैं, कोई असंभव बात नहीं है। वहाँ की जितनी सरकार है, जितनी संस्था है, सबके साथ होम मिनिस्टर ने बात करके सबको सहमति से ही काम कराया है। पीछे कांग्रेस का थोड़ा सा हवा है, मुझे लगता है कि कुछ दिन थोड़ा बहुत करेंगे लोग, या तो समझ जाएंगे। सरकारी इमारतों में आगजनी तो हो रही है, पुलिस स्टेशनों को भी नहीं बख्शा जा रहा। सवाल ये है कि आखिर प्रदर्शनकारियों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है? उनके हौसले इतने बड़े हुए क्यों हैं? ममता की पुलिस आखिर इतनी बेबस और लाचार क्यों नजर आ रही है? नॉर्थ ईस्ट के जो एप्रिहेंशन थे उनको एड्रेस किया गया है और गृह मंत्री जी ने इस बात को बार बार कहा है। सब प्रकार से भारत के बड़े सम्माननीय क्षेत्र के भाग हैं वो, और नॉर्थ ईस्ट के विकास की कुल मिलाकर के भी सरकार बहुत उसकी तरफ ध्यान उसने दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ जलते बंगाल में रेलवे स्टेशनों को कैसे तबाही के जख्म दिए गए हैं जरा देखिए। सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। रेलगाड़ियां जला दी गई हैं, पटरियां उखाड़ दी गई हैं, यहां तक कि स्टेशन के पास के इलाकों में भी आग लगा दी गई है। सवाल यह है कि रेलवे पुलिस और बाकी तमाम सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? बंगाल दिन में जल रहा है, रात में सुलग रहा है, 24 घंटे से लोग दहशत में हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए, किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए, लेकिन ममता सरकार है कि बेसुध नजर आ रही है। जुबान पर अमन की अपील है, लेकिन एक्शन वाला मिजाज क्यों नहीं दिख रहा है? बहरहाल सियासत के नाम पर हंगामा नई बात नहीं है, राजनीति में विरोध भी कोई नई रवायत नहीं है, लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसका असर लंबे वक्त तक दिखेगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए वोट बैंक की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि आग की लपटें कभी दायरों में नहीं बंधी होती हैं। अगर वक्त रहते इन पे काबू नहीं किया गया तो सियासी अरमान दोनों तरफ के जलेंगे, और अगर जनता ये खेल समझ गई तो खाक हो जाएंगे सियासी मंसूबे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो किस तरीके से पश्चिम बंगाल भी सुलग रहा है विरोध प्रदर्शन के नाम पर, उसकी रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। पीएचक्यू के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तीन तस्वीरें उससे पहले आप देखिए, जामिया में आपके संकेत से हिंसा हुई, एमयू में फायरिंग हुई है, और जो तीसरी तस्वीर है वो पीएचक्यू की तस्वीर है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, दिल्ली पुलिस के एक्शन पर नारेबाजी हो रही है, और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। और अब दो तस्वीर आगे की नजर स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जिस तरीके से पुलिस के जवानों को चोट आई थी, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के जवानों पर पत्थर बरसाए। पुलिस के करीब 6 जवान जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, और साथ ही दूसरी तस्वीर पीएचक्यू की तस्वीर है, यानी पुलिस हेडक्वार्टर की तस्वीर है। वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं और वहां पर नारेबाजी चल रही है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। इस बीच जो पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन हिंसक होता गया, आज जनी होती है। तीन बसों को आग के हवाले कर दिया गया, कुछ बसों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को प्राइवेट व्हीकल्स को भी टारगेट किया गया, होली फैमिली के पास पथराव किया गया। हिंसा में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई। इस बीच पुलिस का एक्शन जारी है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। एहतियातन दिल्ली सरकार की ओर से कल सभी स्कूल साउथ ईस्ट जिले में बंद रखने के आदेश जारी किए गए। दिल्ली के 3 और मेट्रो स्टेशन नागरिकता कानून का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बंद किए गए हैं। वसंत विहार, मलेटा और आरकेपुरम मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का ठहराव नहीं है, यानी वहां पर एंट्री एग्जिट बंद है।
उनकी ओर से कहा गया है कि स्थिति काबू में है, दिल्ली के लोगों से अफवाह पर नहीं ध्यान देने की अपील की गई है। दिल्ली पुलिस की स्थिति को मॉनिटर कर रही है, हम जल्द ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर यानी पीएचक्यू के बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन की आग भड़कती जा